आज का जमाना जो है वो विमेन एम्पावरमेंट का जमाना है. हम जैसे कवारे ये बात अब समझ रहे हैं, वरना शादीशुदा आदमी उसी दिन समझ जाता है जिस दिन वो घर से देर से पहुंचता है और फिर आटा गूंदने वाले हाथों से जो मुंह पे मुक्के पड़ते ना, पूरे पराठे छपते हैं बाजी. बीवियां तो शुरू से पावरफुल रही हैं, आप बाखूबी जानते हैं. बिल्कुल. अब वक्त है बेटियों को पावरफुल बनाने का और उनकी पावर को सल्यूट करने का. तो बाजी, आज की हमारी जो मेहमान है वो ऐसी दो बेटियां हैं जिन्होंने कुश्ती के दंगल में उतरकर देश का नाम रोशन किया है. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा गीता और बबीता फोगाट को. जोरदार तालियों का स्वागत होना चाहिए. आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई. आपकी लाइफ पे जो फिल्म बनी है दंगल पाजी, बहुत सुपर डुपर हिट हो चुकी है. लोग उस फिल्म को बहुत प्यार दे रहे हैं और ये एक्चुअली दंगल की रियल हीरोज हैं. तो तालियां और तेज हो जाएगा. दुनिया में ना जी महिला सशक्तिकरण की बहुत बातें होती हैं जी, लेकिन उस इंस्पिरेशन के लिए अगर कोई जीता जागता बहुत तगड़ा उदाहरण है ना, तो वो गीता और बबीता है. और ये प्रमाणित हो चुका है कि बेटियां मां की झलक और पिता का स्वाभिमान होती हैं. ये सर्वदा सीता दुर्गा सावित्री सी महान होती हैं. अपनी वीरता से लहराती हैं विजय श्री का तिरंगा. है शक्ति की सच्ची मिसाल, बेटियां शाने हिंदुस्तान होती. क्या बात. गॉड ब्लेस गीता बबीता आप दोनों को. अच्छा ये बड़ा अच्छा, गीता बबीता मेरे मुंह से फटाफट निकल जाता है. गीता होती सुमन होती तो आदमी अटक जाता है. तो गीता बबीता आपको याद है आपने अब तक कितने मेडल जीत चुके हैं? अभी तक तो मतलब काउंट नहीं किए थे, लेकिन अभी जब दंगल मूवी बन रही थी तो अमेरिकन प्रोडक्शन हाउस ने पूछा कि टोटल कितने मेडल जीत चुके. तो सभी सिस्टर्स के इंटरनेशनली अगर हमने जब काउंट किए तो 35-40 के करीब हमारे मेडल्स थे. क्या बात है. आप बैठ के बात करते हैं. आप वैसे तो आप पहलवान खड़ी भी रह सकती हैं और मैं थक जाऊंगा. आइए और गीता और बबीता की मम्मी जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी दोनों छोटी बहनें भी यहाँ पे मौजूद हैं. गीता बबीता ने बचपन में जो प्रैक्टिस करी थी अपने कजन चाचा के लड़कों जिनको इन्होंने बहुत पीटा वो भी यहाँ पे हैं. तो गीता बबीता आपने जितने भी मेडल्स जब निकाले जी. तो आपने जाके किसी सुनार की दुकान में ज्वेलर के पास चेक नहीं किया कितने तोले सोना है कितने तोले चांदी है? जब शुरू शुरू में मेडल मिला हमें तो जी. देखा कि असल में सोने का मेडल है या फिर कैसा है. अच्छा. तो घर आए तो फिर पापा से पूछा, उनको भी एक्चुअली नहीं पता था कि सोने का होता है या क्या होता. अच्छा. है तो उन्होंने भी पूछा होगा तो पता चला कि एक्चुअली में सोने का मेडल नहीं होता. सोने का होता नहीं है? नहीं होता. मतलब पर नहीं यार ये तो खैर हंसी मजाक की बात है, लेकिन वो गोल्ड जीतना, उस गोल्ड कलर को जीतना ये बहुत बड़ी बात है और आपने वो कर दिखाया. देखो गोल्ड तो 40,000 तोले आ जाएगा, 70,000 तोले आ जाएगा जी, लेकिन जी. जिस बात के लिए वो गोल्ड मिलता है उसका कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं. मैंने मैं इसलिए पूछ रहा था बिकॉज आजकल सरकार जो है वो लड़कियों को ज्यादा सोना रखने की इजाजत दे रही है. मैंने कहा अगर ज्यादा इकट्ठा हो गया आपके पास तो खैर, आप तो बहने भी 4-5 हैं, मम्मी भी हैं, तो घर में 6 लेडीज तो यही है. उसके बाद भी अगर बच जाए तो मुझे भी भाई समझे अपना आप. अच्छा हमने तो फिल्म में देखा बाजी इनकी स्टोरी कि ये सुबह 5 बजे उठ जाती थी, ये सच्ची बात है? आप 5 बजे उठती थी? उठती नहीं, हम उठते भी हैं 3:30-4 बजे. 5 तो थोड़ा लेट. गांव में जो मुर्गा उसको भी आप ही उठाती जाते ना, कि उठ भी तेरे बांग देने का टाइम हो गया. मुर्गा भी सोचता था गीता बबीता उठ गई तो 3:30 उठ जाती हैं आप जी. अभी भी हम इतने 4 बजे हम ग्राउंड में पहुंच जाते हैं. अच्छा तो फिर कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं आप? हम 2.5-3 घंटे मॉर्निंग में करते हैं और 2.5-3 ही शाम को करते हैं. क्या बात है यार, ये मेहनत का ही नतीजा बाजी. अदरवाइज मैंने इनकी डाइट पूछी थी जी, अब मैं इनसे वेरीफाई करना चाहता हूँ कि कोई कहता है जी 100 बादाम घोट के उसका उसकी सरदई बना के पी दे, ये सही है बात? जी बिल्कुल सच है. कितने बादाम रोज? 100 से 150, 1 के लिए. ओए मर के ओए.
कई बार जैसे कि किसी बच्चों से या अभी जिनके पेरेंट्स करवाते हैं स्पोर्ट्स तो मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं कि बादाम कितने खाते हैं, तो वो बोलते हैं कि 10 गिरी 12 गिरी. तो हम सोचते हैं कि 10 12 गिरी में क्या होगा, हम 150 150 गिरी खाते हैं. पर मुझे भी किसी डॉक्टर ने बताया कहता 10 बादाम भिगो के ना सुबह खाया करो. तो मैं भिगो मैं 6 खाता हूँ. 10 बादाम तो पानी में डालो, 2 तो पानी खा जाता है, बाकी बचता कुछ है नहीं. तो आप एक्चुअली लड़कों को पीटती थी, मतलब इतना पीटती थी? आप बिल्कुल मेरी बहन जैसी हैं. आई मीन एक्चुअली ऐसा हुआ था कि आप लड़कों को पीट देती थी? देखिए हम शरारती तो बचपन से ही थे. हाँ, जब हम स्कूल में जाते थे तब भी, और हमारे खून में ही था वो शरारतीपना या किसी को भी मार देना. किसी को भी मार देना? नहीं नहीं, नहीं. पर अगर बच्ची थी इतना पीट देती थी, अब तो माशाल्लाह जवान हो गई है. तो ये गीता और बबीता की दोनों छोटी सिस्टर्स हैं, इनको माइक दे दो. सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए आप. मेरा नाम संगीता फोगाट है, मैं सबसे छोटी हूँ चारों बहनों में से. और मेरा नाम रितु फोगाट, मैं बबीता से छोटी. तो आप चार बहनें हैं, तो चारों ही चारों रेसलिंग करती हैं आप? जी जी. अगर आप... बदला लेना है आपको? मतलब बदला नहीं लेना, हमारा एक ये है कि हमें अपने देश का नाम रोशन करना है. जैसे हमारी बड़ी बहन ने किया है, जो भी हमारे घर में जन्म लेगा वो सिर्फ रेसलिंग ही करेगा. क्या बात ये बात. गीता बबीता की मम्मी जी से पूछना चाहता हूँ. आपका बहुत बहुत स्वागत है आंटी जी. मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपके घर में सारे पहलवान है, आप क्या खाती है? मैं तो जी दूध दही खाया करूं, घी और चूरमा. और कभी कभी चिकन भी खा लेती हूं. पर अच्छा, वो जो मैंने फिल्म में देखा उसमें दिखाया कि गीता बबीता की मम्मी को बड़ी प्रॉब्लम थी चिकन खाने से. वैसे मैं बताऊंगी कपिल जी, अभी तक चिकन नहीं खाते थे मेरे मम्मी, लेकिन शायद लगता हमें अभी पता चला कि जब से दंगल फिल्म देखी है उन्होंने भी खाना शुरू किया. तो बड़ी बात नहीं है, हमें एक साल बाद पता चले कि गीता बबीता की मम्मी भी पहलवानी में उतर आई है. अब हो गई 4 बेटियां, एक की शादी कर दी, अब मैं भी आऊंगी खाड़े में. गीता बबीता, आपकी लाइफ की अबसे सबसे टफ कुश्ती कौन सी रही है, जिसको आपको लगा कि यार ये हार भी सकती थी पर उसको जीतने के बाद आपको बड़ी खुशी हुई हो कि ये बहुत मुश्किल थी कुश्ती? मेरे लिए अगर मैं बताऊं तो एक तो कॉमनवेल्थ गेम्स में थी, और वो थी सेमीफाइनल बाउट एक्चुअली थी. अच्छा. वो नाइजीरिया की पहलवान के साथ मेरी कुश्ती थी. हां, और वो देखने में भी मतलब वैसे भी बहुत स्ट्रांग होती है ना, कि मतलब उनके सिक्स पैक तो वैसे ही होते हैं ना. यस यस यस, वही. तो फिर यस, तो सेमीफाइनल में जब उसके साथ कुश्ती आई तो बहुत टफ मैच हमारा रहा, क्योंकि अगर वो मैं हार जाती तो फिर मुश्किल था मेडल. तो सेमीफाइनल उसके साथ, और एक राउंड वो जीत गई, एक राउंड मैं जीत गई. और उस टाइम हमारा क्लिंच का होता था कि टॉस में जो विन करता है वो पैर पकड़ेगा, और वो टॉस भी वही जीत गई. अटैक भी वो करेगा? अटैक भी वो करेगा, उसने मेरा पैर उस पकड़ के 30 सेकंड होता है, और कुछ उसमें 5 या 7 सेकंड जो रेड जोन हमारा होता है. जी, जी, जी. तो वहां से मैंने पता नहीं कैसे भगवान ने बचाया मुझे, या मैं सचमुच मैंने भगवान को याद किया कि भगवान ये क्या हुआ, और तुरंत मेरा पॉइंट हो गया वहां पे कुछ 5 साल से. वो आपकी अंदर से जो स्ट्रांग है आप, yes, दिल से कि मुझे जीतना है, मुझे अपने देश के लिए, मुझे अपने पिता का नाम रोशन करना है, तो ये जो भावनाएं होती है ना कभी कभी ये बहुत वर्क करती है, और आपने बहुत मेहनत की. बबीता, आपकी सबसे मुश्किल कुश्ती कौन सी रही है? मेरी आज तक जितनी भी बाउटें हुई मुझे लगता है मेरी सारी मुश्किल ही रही है. 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में जी मैं बाउट से 2 दिन पहले मेरे नी में चोट लग गई, और डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था, लिगामेंट मेरा 2 ग्रेड टियर हो गया था. अच्छा. तो डॉक्टर ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि आप नहीं खेलोगे, लेकिन मैंने कहा डॉक्टर को कि नहीं मैं खेलूंगी. इतना बड़ा गेम है और इतनी मेहनत करके आए हैं, तो मैंने खुद ही ये कहा कि नहीं कुछ भी हो मैं अगर यहाँ पे आई हूँ तो मैं खेल के ही जाऊँ, चाहे मेरा पैर दोनों टूट जाए. और यही स्पिरिट होती है बिल्कुल. क्यों, और जब हम मैट के ऊपर जाते हैं तो हम दर्द भूल जाते हैं कि हमें कहाँ पे चोट है क्या है, सब कुछ भूल जाते हैं उस मेडल के आगे, कि बस मेडल जीतना है अपने देश के लिए.
उस टाइम वो देश दिखाई देता, उन लोगों के प्यार और दुआएं दिखाई देती हैं। करोड़ों लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, आप आगे भी बहुत नाम कमाएंगे। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।